सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें ही लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए कई यही तो दो पूरा पांच साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दिए। अरे घर में आने वाला पांच साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। महिलाओं को जोहार, जोहार। आज यहां खूंटी सिमडेगा के दो जिलों के सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे गांव देहात से माताएं बहनें नौजवान साथी सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, विशेषकर हमारे साथ मेहमान के रूप में आए हुए हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय रामेश्वर राव जी, सत्यानंद भोक्ता जी, स्थानीय सांसद कालीचरण मुंडा जी और हमारे सिमडेगा खोलीवीरा के माननीय विधायक भूषण बाड़ा जी और विक्सल कोंगारे जी और जिला के सभी पदाधिकारीगण, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आपको याद है कि नहीं, मैं याद दिलाता हूं कि ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा ये वीर भूमि उलिहातु से ही हमने शुरू किया था 2021 में। और ये हमारा छठे बार का दौरा है इस क्षेत्र में। हर एक बार हमने समय समय पर ये जानने का कोशिश किया कि हमारी जो सरकार है, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो सरकार है ये रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है, और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। और आज सरकार आपके द्वार का चौथा चरण को लेकर हम यहाँ खूंटी और सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं, क्योंकि दोनों जिला से लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था, इसलिए बीच की जगह ये चुनी गई है। अब चूंकि समय बहुत कम है, अब कुछ ही समय बाकी है इस राज्य में चुनाव होना, लेकिन हम लोग आखिरी आखिरी तक जो आपने हमें 2019 में जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। आप लोगों ने
राज्य का मुखिया बनाया। 2019 से आज तक कई चुनौतियां हमने देखी और आपको याद होगा कि हमारे सरकार बनते ही पूरा देश दुनिया में कोरोना जैसा महामारी छा गया। 2 साल तो मेरा पूरा कोरोना खा गया, साल तो साल खा गया, हमारे दो दो मंत्री को भी वो खा गया। लेकिन हम लोगों ने उस कोरोना में भी अपना काम धाम बंद नहीं किया। पूरा देश लॉकडाउन था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, लेकिन सरकार कभी नहीं सोती थी। रात दिन जग करके राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहे, इसका हम लोग चिंता करते रहते थे। जब पूरा देश लॉकडाउन था, गाड़ी मोटर ट्रेन बस कुछ नहीं चलता था, हम लोगों का अनेक नौजवान घर परिवार का लोग अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए जाता था, वो लोग भी घर नहीं वापस आ सक रहा था। उस समय यही आपका भाई आपका बेटा आपके परिवार जनों को कंधे में उठा उठा करके हवा जहाज से ढो ढो करके आप लोगों का घर में पहुंचाने का काम करता था। अनेक लोग इस देश में, सबसे पहले हमने अपने झारखंड वासी जो अलग अलग राज्यों में फंसे थे, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तमिलनाडु में, कोई 7 समंदर पार, वहां से भी लोगों को ढोके लाते थे। और हमारा देखा देखी धीरे धीरे और भी राज्य सब अपने अपने राज्यवासियों को लाना शुरू किया। दो साल इतना डरावना, इतना भयावह, आसपास का राज्य में तो इतना लोग मरता था कि उनको लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, मिट्टी घट गया उन लोग को दफन करने के लिए, अपने परिवारजनों को वो लोग खेतों में मैदानों में खुला छोड़ देते थे, चील कौवे और उनको खाते थे, इतना बुरा हाल था। लेकिन हमारे राज्य में हम लोगों ने दिन रात एक करके इस कोरोना से ऐसी होशियारी से लड़ाई लड़ी कि राज्य में कैसे कोरोना आया और कैसे पार हुआ आम लोगों को हम लोग पता भी नहीं होने दिए। लेकिन इसमें हमारा दो दो मंत्री बेचारे मारे गए इस कोरोना के महामारी में। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग काम करते रहे करते रहे करते रहे। और हमने पहले भी कहा था कि हमारा यह सरकार रांची से नहीं गांव से चलने वाला सरकार है, और गांव गांव पंचायत पंचायत कई ऐसे इस राज्य में गांव है, पंचायत है, टोला है, व्यक्ति है जो ब्लॉक कार्यालय कभी नहीं देखा, BDO CO कौन है कभी नहीं जानता, DCSP का ऑफिस और DCSP कौन है ये तो गांव देहात का कमे लोग जानता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब ब्लॉक कार्यालय DC ऑफिस और DCSP को जानने का जरूरत नहीं, बल्कि DCSP BDO CO को आपको जानने की जरूरत है। और आपके गांव गांव पंचायत पंचायत में हमने उनको भेजने का काम किया। अनेकों आपको पता है 2021 का पहला पंचायत शिविर जब लगा तो इस राज्य में 50 लाख से अधिक समस्याओं के आवेदन हमारे पास आए। उन आवेदनों का भी समस्या का समाधान हुआ, कई स्थानीय स्तर पर हुआ,
कई हेडक्वार्टर के स्तर पर हुआ, कई सरकार के स्तर पर हुआ और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े, चूंकि हमें पता है हमारा गांव देहात क्या है, हमारा गांव का लोग किन हालातों में जीता है, कितना अमीर है कितना गरीब है, ये हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। आज इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग जो दो वक्त के अनाज के लिए बेचारे तड़पते थे, डबल इंजन की सरकार में मुझे याद है कि यहां पर लोग राशन कार्ड में हाथ में ले ले करके लोग मरा था, लेकिन कोरोना जैसा महामारी दो साल तक रहा, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया, एक भी व्यक्ति कोई नहीं बता सकता कोरोना में कोई भूख से मरा है। और वो क्यों हुआ है मालूम है? वो सब आप लोगों की मदद से हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य की हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव गांव पंचायत पंचायत में खाना बना बना करके गरीब गुरुआ लोगों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था, और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा लगा कर दो साल तक चोर पुलिस खेलता रहा हमारे साथ, कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर हक अधिकार देने के लिए काम करते थे और उन हक अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते थे, कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पचड़ा लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे, मैया योजना आप लोग को अभी हम दे रहे हैं इसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला गया, बच्चा लोग को नौकरी देते हैं उसके लिए भी लोग कोर्ट चला जाता है, यहां हम स्थानीय नीति बनाते हैं असंवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है और यही काम ही लोग अपना राज्य में करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया, विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना दो दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको ये लोग सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है, गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा, यही हालत है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहां मंडरा रहे हैं, मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंडरा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहां काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग हमको बताइए तो, महिला लोग को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है? ये योजना अच्छा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे मां बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तो बाल क्या बाका करेगा, अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है, कोई बात नहीं।
इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है, लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोगों का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पदचिन्हों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने के। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। ये भी इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरुआ लोगों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना बिहार बंगाल का अलग राज बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे ऐसा बोलता है। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे, कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड ही खत्म नहीं होगा। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी, आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है? आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार ही और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है, आपका बेटा बैठा है इसलिए आपके दरवाजे में बीडीओ सीओ जाकर के आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहां बैठी महिला है, घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर,
बीडीओ सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहां कहां चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था। लोग मर जाता था लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, नहीं तो कितना एड़ी चोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। आप परेशानी की बात नहीं है। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव देहात जाता था? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बलेरो से जा जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है, ये अनवरत चलने वाला है। आज के दिन में कभी किसी पदाधिकारी का मुंह से जोहार सुने हो? कभी नहीं सुनता था, लेकिन आज हर पदाधिकारी जोहार बोलता है। और हमने सुनिश्चित किया है झारखंडियों का अभिवादन जोहार शब्दों से होगा, और आज हमारा विरोधी लोग भी वही करता है। आए देश का प्रधानमंत्री जी उलिहातू आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहां योजना का शुरुआत करता है। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश का आदिवासियों को कोई भी शुभकामना ये लोग नहीं देते, ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं, जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति जी। ये हालत है हम आदिवासियों का। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें इन लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए कई यही तो दो पूरा 5 साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दिए। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कॉलोनी आवास बोलते थे, इसका पैसा मांगते मांगते थक गए, नाक रगड़ते रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए लेकिन इन लोग नहीं दिया। जब हम यहां आकर के उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से अपने ताकत पर अपने गरीबों को आवास देंगे, और हमने अबुआ आवास योजना शुरू कर दिया। और 2 कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवास, उससे बड़ा आवास, उससे अधिक दाम का आवास बनाएंगे। छोड़ो आपका पैसा हम नहीं देंगे। जब उसको पता चला तो अभी कल परसों से इनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद आया। जब हम लोग मांगने गए तो हमारा पैसा बगल के राज में दे दिया, क्योंकि बगल के राज में चुनाव हो रहा था। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये वाले लेने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। आज देख लीजिए महंगाई कितना चरम आसमान पर चल रहा है। नमक, तेल, दूध, दही सब चीज में टैक्स लगा दिया, कागज कलम किताब कॉपी सब चीज में। आज गरीबों के लिए तो महंगाई यह हालत है कि किसी तरीके से एक बार पेट भर ले यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उन गरीबों को हर संभव हम लोग का प्रयास है, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजों को लेकर के हम लोगों ने
जमीनी स्तर पर काम किया। डबल इंजन की जब इनकी सरकार थी तो 11 लाख इन लोगों ने राशन कार्ड डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोग की सरकार बनी तो 20 लाख नया हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने गरीबों पर। लेकिन इतना में काम नहीं होता है, ये लोग उसमें भी हमको परेशान किया। हरा राशन कार्ड के लिए जब हम सरकारी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं तो ये लोग राशन नहीं देते हैं हमको, क्योंकि उसमें सस्ता थोड़ा मिलता है। कभी एक महीना, कभी दो महीना, कभी तीन महीना ना दे, और इसके चक्कर में गरीबों को भी हम लेट से अनाज हरा राशन कार्ड में मिल रहा था, फिर कभी दे दे कभी नहीं दे, यही हालत हो गया। लेकिन अब हम अपना तैयारी कर रहे हैं, या हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल बनाने का फैक्ट्री को स्वीकृति दे दी है। अब हम इस राज्य का धान क्रय केंद्र, धान खरीद का जो अभियान चलता है, बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को हम तेज करेंगे, और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है उसी फैक्ट्री से चावल बना करके हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। नहीं रहेंगे इनके भरोसे में हम लोग, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ना। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? 1,36,000 करोड़ रुपया, हम तो कहते हैं कि इसका सूद ही हमको दे दो, उसका इंटरेस्ट दे दो, उतने में हम काम चला लेंगे अपने राज्य का। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोगों को 7 पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लेके रहेंगे, क्योंकि इनको आपको गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनकी अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया, और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग है, और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज वाला लोग, हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सबको, और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढो ढो करके लाते थे और गांव पहुंचाने का काम करते। क्या बात करेगा ये लोग? आज हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा राज्य सरकार खर्चा उठाता है। बता दे इस देश में, भारत देश में कौन सरकार है जो अपने राज्य से नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता हो? कई ऐसी चीजें हैं, और ये लोग आज धन बल लेकर के यहां आ गया है, पैसा छीट करके वोट बांटने का, जात धर्म से लेकर के ये लोग वोट लूटने का तैयारी में लगा है। अभी हमको पता चला है अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहां घुसे हैं, यहां पर बगल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों को देखा देखी। इनको आदिवासियों पर विश्वास नहीं है, मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 गो सिपाही भी खड़ा कर दिया है कि जरा सा भी टूटा क्या तो तुरंत टांग खींच लेंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत, कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम मात्र, पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा रहता है। और आज
इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठगने आया है। आज ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोगों को पेंशन मिला कि नहीं, आप लोगों को गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री भाई फूले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए हैं और ये लोग अभी वोट कैसे हम लोग लूटे इस काम के लिए पूरा मंडरा रहा है पूरे राज्य में। पहले सरकार के तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर बंटता था किसानों को गांव गांव में, आज देखो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई बेलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार कमा रहा है। कई लोग कोई सीमेंट दुकान, कोई छड़ दुकान, कोई राशन दुकान खोलने के लिए सरकार से पैसा ले रहा है। ऐसा कभी होता था? आज अनेक लोग और नौकरी तोकरी तो जो हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे उनको मिल ही रहा है। और अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का बहाली खोला, अनेक नौजवान में लोगों की इनमें इन दौड़ में मौत हो गई। और अभी हमको जो पता चल रहा है कि कोरोना में जो इंजेक्शन लगा है इस राज्य के लोगों को, देश के लोगों को, ये गड़बड़ इंजेक्शन लग गया है। और इसी वजह से एक दो नहीं, दर्जन भर से अधिक नौजवान इस उत्पाद सिपाही में मारे गए हैं। इनका हम विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट करा रहे हैं, जांच कराने जा रहे हैं। और जो अभी देश विदेशों से खबर आ रही है कि जिस दवा को पूरा दुनिया में बैन कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, वो दवा भारतवर्ष में बनता रहा और ये लोग उससे चंदा वसूलते रहे और इस देश के लोगों को ठुकवा दिया है वो दवा। हमको भी लगा दिया है, पता नहीं कब भाषण देते देते हम भी किसी दिन लुढ़क जाए, कोई भरोसा नहीं। बता देते हैं वो दवा भी फर्जी इन लोगों ने बनाया और इन लोगों ने इस पूरे देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आज उसका परिणाम है, आज उत्पाद सिपाही में बड़े पैमाने में हमारे नौजवान मारे गए हैं और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ाता है, इन लोग तो रोजे पकड़ाता है। बस अब इन लोगों को ये चुनावी गुजराती समूह को बोरा में अब भरना होगा और बढ़िया से टाइट करके बांधना होगा और समंदर में फेंक देना होगा, गुजरात के समंदर में। बहुत भटकता है इधर उधर, तो इसलिए विशेषकर महिला दीदी आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है, इस राज्य की आधी आबादी है आप लोग, आप लोगों ने जो ठान लिया सो ठान लिया। आप लोग पूरा घर द्वार चलाते हैं, आज आपको मजबूत करने का हमारा संकल्प है, हमने वो मजबूती शुरू कर दी है। आप महिला सम्मान योजना का पहला नहीं दूसरा किस्त भी हमको लगता है कई लोगों के खाते में जा चुका है। दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमको और भी कुछ शिकायत मिल गया है, बहुत लोगों का खाता कोई डाकघर में खोला है, कोई बहुत पहले खोला है, उस सब नहीं, बंद हो गया है, उस पर पैसा नहीं जा रहा है। हम प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब से बोलना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे खाता हैं उन सभी खाता को जल्दी से जल्दी एक्टिव करा करके इनका खाता में पैसा पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए अभी उधर देख रहे हैं बेटा बेटी सब बहुत देर से धूप में साइकिल लेके खड़ा है बेचारा कि आज हम लोग साइकिल वितरण करेंगे। इसलिए हम और ज्यादा तकलीफ इन लोगों को भी नहीं देंगे, धूप में खड़े हैं, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोग आने वाला समय में याद रखिएगा ना, आशीर्वाद दीजिएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मां बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार।